नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर चंपावत जिले के भ्रमण पर रहे। मुख्यमंत्री धामी ने लोहाघाट के मल्लिकार्जुन स्कूल चिड़ियाडूंगा बनगांव पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने मल्लिकार्जुन स्कूल लोहाघाट के अनावरण समारोह में शिरकत की। सीएम धामी ने कहा कि मल्लिकार्जुन स्कूल से बहुत से बच्चों का भविष्य संवरने वाला है, जिसके लिए उन्होंने समस्त विद्यालय प्रबंधन को बधाई दी है। कहना चाहता हूं कि ये केवल एक ईंट पत्थर से निर्मित एक केवल आधारभूत संरचना ही नहीं है, बल्कि ये हमारे बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य का आधार है। अभी हमारे उद्घोषक महोदय कह रहे थे कि आने वाले समय में यहाँ से बच्चे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, और निश्चित रूप से ये सब हमारे भविष्य हैं, और इसमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा, अनेक अनेक क्षेत्रों को कोई प्रशासनिक सेवा में जाएगा, और जिन क्षेत्रों में भी ये जाएंगे उन क्षेत्रों को नेतृत्व देने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से इनके व्यक्तित्व के निर्माण में, इनके पूरे संस्कारों में मल्लिकार्जुन विश्वविद्यालय के द्वारा जो संस्कार इनमें रोपित किए जाएंगे वो उनके संपूर्ण जीवन भर काम आएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे जो पहला संस्कार है, पहली शिक्षा है, वो देने का काम माता पिता करते हैं, उसके बाद सारे संस्कार, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, उनका विकास कैसा होगा, वो किस दिशा में जाएंगे, इस दिशा को सेव देने का काम कोई करता है तो हमारे वो विद्यालय के शिक्षक गण करते हैं। आज मल्लिकार्जुन स्कूल जैसे शिक्षण संस्थान बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में बहुत अतुलनीय योगदान दे रहे हैं, इसलिए मैं समस्त विद्यालय परिवार को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, शिक्षा व्यवस्था किसी भी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्तंभ है, एक आधार स्तंभ है, और आज बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मल्लिकार्जुन स्कूल में बच्चों को एस्ट्रो रोबोटिक्स जैसे आधुनिक विषयों की जानकारी देने के साथ ही विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल में हिंदी, संस्कृत, कुमाऊनी भाषा में दैनिक प्रार्थना सभा का आयोजन, बच्चों को हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है उससे जोड़े रखने का भी बहुत ही शानदार प्रयास है। इसके लिए भी मैं विद्यालय परिवार को बहुत बधाई देता हूँ। मैं इस विशिष्ट शैक्षिक पहल और बच्चों के सांस्कृतिक संवर्धन के लिए विद्यालय परिवार को हृदय से उनको साधुवाद देता हूँ। यहाँ के बच्चों ने न केवल अकादमिक क्षेत्र में बल्कि खेलकूद, सांस्कृतिक, अन्य गतिविधियों में भी समाज के अंदर अपनी प्रतिमा से लगातार अपने क्षेत्र का भी, अपने स्कूल का भी, अपने माता पिता का भी और विद्यालय का भी नाम रोशन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस नए विद्यालय का आज लोकार्पण हुआ है, जिस भवन का लोकार्पण हुआ है, उसके बाद विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में और भी तेज गति से प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी किस प्रकार की क्वालिटी है, किस प्रकार की गुणवत्ता है, उस पर बहुत ही अत्यधिक निर्भर करता है। इसी उद्देश्य को लेकर आपने देखा होगा लंबे समय से हमारे देश के अंदर एक नई शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, और इस नई शिक्षा नीति को लाने का काम आर्मी
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई। इस नीति के माध्यम से हमारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा देने का काम, उसके साथ साथ जो अन्य आयाम होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनको सफलता प्राप्त करने में सहायता मिल सके, ऐसे सारे प्रावधान नई शिक्षा नीति में किए गए। और इसके साथ ही शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी नई शिक्षा नीति आने से प्रोत्साहन होना प्रारंभ हुआ है, जिससे बच्चों और युवाओं में निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक सोच का भी विकास होगा। मुझे बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने आज स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर सांकेतिक धरना दिया। इस धरने में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि जिस वक्त धरना दिया गया उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अपने आवास में मौजूद नहीं थे। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य मंत्री राज्य की जनता को केवल बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। रोजगार के नाम पर जहां युवाओं को केवल बहाने दिए जा रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा में भी उत्तराखंड की जनता को केवल छला जा रहा है। आज धरने पर बैठा हूँ इन दोनों व्यवस्थाओं को लेकर के, और आज पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है इसके खिलाफ संघर्ष है और यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। आज तो मैंने कहा था मैं सांकेतिक तौर पर अकेला बैठूंगा, लेकिन तमाम साथी आए, इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जिस दिन आह्वान करूंगा घेराव का, जिस दिन आह्वान करूंगा शहर को जाम करने का, उस दिन जो है तब पुलिस बल को भी देख लेंगे, सब सरकार को भी देख लेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, प्रीतम सिंह का धरना देना स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर अपने आप में ही एक बड़ा सवाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर खड़ा कर रहा है, और ये भी साथ में चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है। और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी रवि, आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक भी हैं, चक्राता से पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और ऐसे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के हैं प्रीतम सिंह। आज उन्होंने जो है सांकेतिक धरना शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर दिया, और ऐसे में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार चरमराई हुई हैं, चाहे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पद जो है वो रिक्त हैं, तो इन सभी को लेकर के आज उन्होंने मंत्री के आवास के बाहर जो है धरना दिया। और ये उनका सांकेतिक धरना था। उनका कहना है कि अगर ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती है और अगर मांगे नहीं मानी जाती, युवाओं को जो है रोजगार नहीं दिया जाता या शिक्षा व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती, तो उसके बाद जो है एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा और जब घेराव का आह्वान किया जाएगा तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो होगा। इस तरीके की चेतावनी भी उन्होंने सरकार को दी है, लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री और धन सिंह रावत अब उनकी मांगों पर कितना अमल करते हैं, कितना उनकी मांगों पर एक्शन लिया जाता है, कब जो व्यवस्थाएं हैं वो कब तक बढ़ाई जाती है, क्या कुछ आगे रहता है, तमाम चीजें आगे देखने वाली होंगी। बिल्कुल ठीक है आपने कि जिस तरीके से चेतावनी भी सरकार को दी है, उसमें अब अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का और कांग्रेस के बड़े नेता प्रीतम सिंह का, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी के लिए आपका। राज्य की धामी सरकार बेहतर टैक्स अदायगी के जरिए राज्य के विकास में भागीदारी करने वाले 160 व्यापारियों को सम्मानित करने वाली है, जिसकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया पंजीकृत व्यापारी सम्मान योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना में व्यापारियों का जिलेवार चयन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि देहरादून और हरिद्वार के 20-20, उधम सिंह नगर और नैनीताल के 15-15 व्यापारियों को इस योजना में चुना जाएगा, जबकि 9 जिलों में 10-10 व्यापारियों को सम्मान योजना में चुना जाएगा। आप जानते हैं कि हम लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने अपने विभागों में एक नवाचार करने का काम करते हैं। पिछले दिनों जब GST कंपनसेशन की बारी आई थी कि हमारा GST कंपनसेशन खत्म हुआ था,
तो हमारे सामने चुनौती थी कि हम अपना जीएसटी कैसे बढ़ाएं, और आज मुझे खुशी है इस बात की कि हम उससे ऊपर उठे, बिल लाओ इनाम पाओ, लोकप्रिय हमारी स्कीम रही। इसी प्रकार से जो विभाग हैं, विभाग के लोगों को मेरे द्वारा बार बार कहा गया कि जो ईमानदार व्यापारी है, जो हमारा करदाता है, जो हमें कर दे रहा है, आखिर उसका भी सम्मान होना चाहिए। देहरादून में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत बीजेपी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन दर्शन हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज का अपमान किया। देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर उनके पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया गया है, और देश के प्रधानमंत्री लगातार 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक संविधान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। 2 दिन के पार्लियामेंट में डिबेट होने वाली है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के देश के निर्माण में क्या योगदान रहा है उस पर चर्चा हो गई, और उनको भी मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान को बदलने का पाप किया है, प्रीएम्बल को बदला है उन्होंने, उसके अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ने का काम किया है। उस पर भी चर्चा होगी किस प्रकार से संविधान के धज्जे उड़ा के आपातकाल लगाया गया। उस पर भी चर्चा होगी कि किताब को लेकर संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदल देंगे, और जब विदेश में जाते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे ये बात कहते हैं। ये सारी चर्चा होंगे कि किस प्रकार से देश को आजाद कराने वाले महापुरुषों को कांग्रेस ने लगातार अपमान किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आज राजधानी देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बीएल संतोष ने 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून में रहेंगे। इस दौरान वह प्रदेश टोली बैठक के अलावा निकाय चुनाव से संबंधित प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के दौरे को लेकर उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं और उसकी तैयारियां करनी पड़ती हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री समीक्षा करने देहरादून आ रहे हैं। निकाय के चुनाव आने वाले हैं और उसके लिए सभी संगठन के लोग हैं, हम और एक राजनीतिक दल है, उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है, और उसकी समीक्षा के लिए संगठन महामंत्री पीएल संतोष जी आ रहे हैं। निकाय के चुनाव आने वाले हैं और उसके लिए सभी संगठन के लोग हैं, हम और एक राजनीतिक दल है, उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है, और उसकी समीक्षा के लिए संगठन महामंत्री पीएल संतोष जी आ रहे हैं। हरिद्वार के भगवानपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हॉर्नबिल की टीम पहुंची, जहां जांच के दौरान पता चला कि अस्पताल में मरीज तो मौजूद थे लेकिन डॉक्टरों का कोई अता पता नहीं था। और जब इस बारे में सीएमओ राजेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर मौजूद हैं कहकर बात को टाल दिया। वहीं जब मौके पर मरीजों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो काफी देर से आए हुए हैं लेकिन वहां एक भी डॉक्टर नहीं है। छुट्टी बताई उन्होंने, छुट्टी है जी, और इमरजेंसी में है कोई डॉक्टर? या टीबी की दवाई मिल जाए तो वो है नहीं, इमरजेंसी में भी कोई नहीं है, इसमें कोई है नहीं इस वक्त। 10 बजे आ गए थे सर। अच्छा, डॉक्टर था कोई यहाँ? यहाँ पे कोई नहीं था। तो क्या बता रहे हैं यहाँ जो? ये बता रहे हैं कि छुट्टी है। अच्छा, इमरजेंसी में भी कोई डॉक्टर नहीं है? अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुर्सलीन अलवी फोनलाइन पर हमारे साथ हैं। मुर्सलीन, जिस तरीके से ये देखा गया कि स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ही नहीं हैं और मरीज परेशान है, कब से ये सिलसिला चलते हुए आ रहा है और जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, आज जिस तरीके से सरकारी छुट्टी थी और सरकारी छुट्टी होने के बाद भी इमरजेंसी में डॉक्टर का होना बेहद जरूरी है। जो बड़े बड़े नेता हैं, जो अधिकारी हैं, जो सरकार के जिम्मेदार हैं, वो इस बात को लेकर खासी चर्चा करते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर हो सके उत्तराखंड में, और खासकर दूर दराज के इलाकों में। और भगवानपुर में जिस तरीके से आज कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनका फोन आया, और जब हमारी टीम और मीडिया के साथ ही वहां पहुंचे तो वहां पर जो
हालात और स्थिति थी वो इस तरीके की थी कि इमरजेंसी में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। मरीजों की भीड़ स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारे दर्शक हैं, वो किस तरीके से लगी हुई है। और जब सीएमओ से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनका डॉक्टर मौजूद है, जबकि जब हमने उन्हें कहा कि आप वीडियो कॉल कीजिए और स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि किस तरीके से कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तो एक बहुत ही विडंबना और चिंता देने वाली स्थिति जो है इमरजेंसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज देखने को मिली। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मुर्सलीन कि वाकई में ये चिंताजनक स्थिति है। और यहाँ पर अगर डॉक्टरों की संख्या की बात की जाए तो कितनी संख्या है, क्या जिस तरीके से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, मरीजों की संख्या है उस हिसाब से डॉक्टरों की पर्याप्त मात्रा है यहाँ पर? देखिए डॉक्टरों की मात्रा पर्याप्त है, अभी पहले पर्याप्त नहीं थी लेकिन बीच में डॉक्टरों की मात्रा पर्याप्त हुई, लेकिन जिस डॉक्टर की यहाँ पर तैनाती की गई थी इमरजेंसी के लिए वो डॉक्टर वहाँ पर जब टीम पहुंची 11 बजे के लगभग का समय था, वो डॉक्टर मौजूद नहीं थे, दाएं बाएं कहीं पर थे। और एक जो अप्रेंटिस करने के लिए कोई एक लड़का वहां पर मौजूद था, वो बार बार इस बात को कहे जा रहा था कि डॉक्टर साहब यहीं हैं, आ जाएंगे, अभी गए हैं, जबकि जो मरीज है उनका कहना है कि डॉक्टर वहां से नजर रखते। उसके बाद जब खबर हमने कवरेज किया और सीएमओ को इस बारे में सूचना दी कि ये मामला है, तो सीएमओ ने फोन किया तो काफी देर के बाद डॉक्टर वहां पर एक डॉक्टर पहुंचे, कोई कटारिया करके डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी और मैं नाश्ता करने के लिए चला गया था। तो एक से डेढ़ घंटे का ये जो टाइम था इमरजेंसी में, कभी भी कोई मरीज कोई एक्सीडेंट, क्योंकि नेशनल हाईवे से लगा हुआ ये अस्पताल है, लगभग 1,00,000 की आबादी इस अस्पताल पर निर्भर करती है। तो अगर इमरजेंसी में कोई इस तरीके की, क्योंकि पहले भी HNN पे हमने एक खबर दिखाई थी लगभग कई साल पहली बात है, उस टाइम हमारे जो संवाददाता आदिल राणा हुआ करते थे, यहाँ पर एक इसके गेट पर, अस्पताल के गेट पर एक बच्ची ने जो है वो जन्म दिया था इसने क्या बोलते हैं ई रिक्शा में। तो उस टाइम पे ये खबर हमने इंसानियत को शर्मसार नाम से जो है बिल्कुल मुर्सलीन ठीक कहा आपने। और उस वक्त भी ये तमाम चीजें दिखाई है मीडिया ने, और ये वजह है कि ये लगातार यहाँ पर हालात नहीं सुधरे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खबर उत्तरकाशी से है जहां जिला प्रशासन की लापरवाही से सौंदी गांव के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों को भू अभिलेखों के लिए टिहरी और उत्तरकाशी जिले मुख्यालय के धक्के खाने पड़ रहे हैं। यही नहीं, गांव में मनरेगा के साथ जो भी उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका भी लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि गाँव की कई बालिकाएं खतौनी ऑनलाइन न होने के कारण गौरा देवी धन योजना से भी वंचित है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जनपद उत्तरकाशी में है, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में है, और हमें यहाँ पर जो है कम से कम जो है 5-4 चक्कर हम यहाँ पर हमने काट दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय से हम कई बार मिले हैं, अब और उप जिलाधिकारी डूंडा से कई बार मिल गए, लेकिन हमारे जो दस्तावेज है वो ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। लगभग जो है 15 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया है, तो शासन आदेश से जो है 1.5 साल पूरा हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है लापरवाही हो रही है, जिससे हमारे जो बच्चे जो है जो नंदा गोरा देवी है उसमें जो है बच्चों का जो है कागज़ पूरी तरह से जो है तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो कई बार हमने दूरभाष पर जो है SDM साहब से बात की है, DM साहब से कई बार मिल गए हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ग्राम पंचायत सोने के लोग जो है काफ़ी परेशान है। बड़ा सवाल है कि ग्रामीणों को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल रहा है, और यह सिर्फ एक योजना की बात नहीं है बल्कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे यहाँ के ग्रामीण, खासतौर पर जो बालिकाएं हैं, गौराधन योजना जो सरकार चलाती है वो भी यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खाता खतौनी ऑनलाइन नहीं है। इस तरह की कई दिक्कतें इनके सामने हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक आते ही दावेदारी का दौर शुरू हो गया। बीजेपी नेता शिवम कश्यप ने लक्सर नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के कई बड़े नेताओं का आवेदन देकर टिकट मांगा है। लक्सर स्थित अपने निवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान शिवम कश्यप ने एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से बीजेपी में रहकर पार्टी की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वह निकाय चुनाव जीतकर लक्सर का विकास करेंगे। जैसे कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव सिर पर आ गए हैं, तो उसको देखते हुए जो हमारे प्रभारी नियुक्त किए हुए हैं नगर पालिका नगर निगमों में, तो मैं भी एक दावेदार हूं, मैंने भी पार्टी के काम किया है और अपनी दावेदारी प्रस्तुत बड़े नेताओं को प्रस्तुत की है। टिकट मांगने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ता का है, देना ना देना पार्टी के नेताओं का अधिकार है। पार्टी अगर मुझे टिकट देती है
तो मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा, लक्सर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा, लक्सर में विकास करने का काम करूंगा। मुख्यमंत्री जी बने जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में छाए हुए हैं, एक नाम तो उनका मोदी जी आई, देश के लिए देव तुल्य हैं और दिव्य शक्ति भी हैं। और उसी के साथ साथ में जितनी भी जनता हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब उन्हीं के अस्तम हैं, नरेंद्र मोदी जी। उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उनकी निजी राय है कि एक साथ निकाय और पंचायत के चुनाव हों, जिससे बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से भी निजात मिल सके और प्रदेश के विकास में भी कोई दिक्कत परेशानी पैदा न हो। पंचायतों के चुनाव भी होंगे, अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के कोई इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा, जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है उसमें भी एक ठीक एक मैसेज आ जाए। बागेश्वर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक तस्कर को 5 किलोग्राम से ज्यादा अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। चरस की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। हमारी एसओजी टीम कपकोट क्षेत्र में करनी रोड पे चेकिंग कर रही थी, तो वहाँ पर एक इनको संदिग्ध व्यक्ति दिखा, जिससे जब उससे पूछताछ करी और देखा तो उसके पास 5 किलो 72 ग्राम चरस निकली है। जब इससे थोड़ी पूछताछ की गई तो इसने यह भी बताया कि यह इस चरस को चमोली क्षेत्र का जो हेमनी गांव है वहां ले जा रहा था, और इसने ये चरस अपने ही गांव से इकट्ठा करी थी। बाकी इसके सोर्स और बाकी कहां ये ले जा रहा था इसके संबंध में हमारे कपूर थाना क्षेत्र में जो विवेचक होंगे वो कार्यवाही करेंगे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहे और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।